उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार अपराधी घटनाओं के चलते राज्य की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। हाथरस की घटना से लोग उबर नहीं पाए कि अब बलरामपुर से 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जिसके बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। बसपा प्रमुख मायावती ने हाथरस घटना पर बात करते हुए कहा, हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यूपी सरकार कुछ हरकत में आएगी। यूपी के मनचले लोग जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह मैंने बलरामपुर की एक घटना न्यूज में देखी जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं चला सकते हैं सरकार, और यूपी गवर्नमेंट जाग नहीं रही है, अभी भी नहीं जाग रही है। और केवल इस किस्म की ये हाथरस की घटना और घटना घटने से, उनकी आर्थिक मदद करने से या उनको प्लॉट देने से, नौकरी देने से, तो इनके ऊपर जुर्म जाति नहीं रुकेगी। इनको सख्त कदम उठाने होंगे, जो ये सरकार बुरी तरीके से फेल हो गई है। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि यूपी गवर्नमेंट नहीं जाग रही है, आदित्यनाथ योगी इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, तो केंद्र की सरकार को जागना चाहिए। और केंद्र की सरकार से मेरा यही कहना है कि यदि केंद्र की सरकार ने तो आरएसएस के दबाव में आकर इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन इस लायक नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का में बढ़िया शासन प्रशासन यूपी की जनता को दे सके। तो मुझे क्या लगता है, बीजेपी को आरएसएस के से बात करनी चाहिए, उनके शिकंजे से बाहर निकलना चाहिए। आरएसएस के आपको उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचना चाहिए। और मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है गोरखपुर में मठ में वहां बैठा दें, और यदि उनको गोरखपुर का मठ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी ये काम उनको सौंप। मायावती ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि उन्हें योगी आदित्यनाथ को उनके स्थान पर भेज देना चाहिए। यदि वो मंदिर में रहना पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें राम मंदिर निर्माण का कार्य दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान बीजेपी सरकार में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि आपको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मायावती ने कहा, मुझे 99 नहीं बल्कि 100% भरोसा हो गया है कि वर्तमान में यूपी के सीएम सरकार चलाने में सक्षम नहीं। बेहतर यही है कि आप या तो नेतृत्व में परिवर्तन करें, और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर रहम करें, यही मेरी अपील है। Thank you.